हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाएंगे कद्दू की बहुत ही चटपटी खट्टी और मीठी सब्जी, जो कि भंडारे वाली सब्जी, खाने में जैसे बहुत अच्छी लगती है वैसे ही बिल्कुल बनाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लगभग 1 केजी करीब ये कद्दू ले लिया है। तो अब हम इसको कुछ इस तरह के पीसेस में काट लेने हैं। तो हमें सारे कद्दू ऐसे काट लेने हैं और इसके बीज को भी हमें अच्छे से निकाल लेना है। तो ऐसे हम सारे कद्दू अपने काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कद्दू की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसको हम ऐसे, इसके बीज भी इसके सारे में ऐसे निकाल लेने हैं। तो अगर बीज बहुत नरम है तो डाल भी सकते हैं। अगर ये थोड़ा हमारा इसमें लग रहा है ये थोड़ा टाइट सा है, और इसका छिक्कल भी हम बहुत, अगर नरम छिक्कल हो तो हम डाल भी सकते हैं। थोड़ा टाइट छिक्कल वाला है ये, तो हम इसका छिक्कल थोड़ा सा निकाल देते हैं इधर उधर से। जहाँ छिक्कल अगर इसका मुलायम है तो वहाँ मैं छोड़ दूँगी इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे हमें सारे निकाले नहीं, इसका छिक्कल भी कुछ ऐसे टाइट सा है। तो हमने सारे कद्दू को छील लिया है और इसको कुछ इस तरह से हमें काट लेने हैं। तो कुछ इस तरह के पीसेस में हम काट लेंगे अपने इस सब्जी को। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको काट लिए हैं अच्छे से। तो अब इसमें मैं डालूँगी कुछ सूखे मसाले ऐड करूँगी। तो ये है, इसमें खड़ी धनिया लिया है मैंने, जीरा है, एक लाल मिर्च लिया है, 2-4 दाना काली मिर्च का है, तेज पत्ता डालूँगी इसमें। तो क्योंकि हम पहले ही रख लेंगे, नहीं तो उसमें एक एक करके डालो तो फिर जलने लगते हैं मसाले। और यहीं पे मैंने गुड़ भी ले लिया है 50 ग्राम करीब। अब तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें सूखे मसाले डालूँगी। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम इसको सूखे मसाले को डाल देना है और इसे थोड़ा भून लेना है। और तेज पत्ते भी यहीं पे मैंने डाल दिया, और जो अदरक था और हरी मिर्च भी मैंने यहीं पे डाल दिया है। अब इसको थोड़ा भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में थोड़ा भून लेना है इन मसालों को। इन मसालों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो अब लगभग मसाले हमारे ये खड़े वाले भुन चुके हैं, यहीं पे मैं डाल दूंगी ये जो कटे हुए कद्दू हैं। तो इन कद्दूओं को यहीं पे डाल देना है हमें। तो फ्रेंड्स, इसको अब हम ऐसे थोड़ा चलाते हुए ऐसे बना लेंगे। तो अब हमें ऐसे थोड़ा भून लेना है इसको। तो अब ढक देंगे, थोड़ा 5 मिनट के लिए इसको थोड़ा और पका देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे चला चला के हमें थोड़ी थोड़ी देर पे इसको थोड़ा ऐसे भून लेना है, थोड़ा हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक इसको पकाएंगे ढक के। और इसको थोड़ी थोड़ी देर पे हम देखते रहेंगे। तो ऐसे हमें थोड़ी देर पका लेना है। और मैं यहीं पे अब डाल दूँगी, थोड़ा हल्दी डाल दूँगी, और यहीं पर मैं डाल दूँगी हल्का सा स्वादानुसार नमक, ताकि नमक अच्छे से गलाएगा सब्जी को। और थोड़ा इसको चला लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। थोड़ा हल्दी और नमक मैंने पहले डाल दिया था ताकि नमक से अच्छे से गल जाएगा कद्दू। तो इसको अब हमें ऐसे से चला के भून लेना है। तो फ्रेंड्स, सब्जी हमारी अब लगभग भून चुकी है अच्छे से। तो ऐसे हमें थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है। और यहीं पे मैं डाल दूँगी ये गरम मसाला है, और यहीं पे मैं डाल दूँगी ये धनिया पाउडर है थोड़ा सा, 1/2 चम्मच करीब। और मैं यहीं पे अब डाल दूंगी ये थोड़ा हमारी कश्मीरी मिर्च है, थोड़ा कलर इसमें अच्छा आ जाता है सब्जियों में। और ये थोड़ा 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर है, इसको भी यहीं पे हम डाल देंगे। और इसको अच्छे से अब हम मिला लेते हैं सब्जी में। तो फ्रेंड्स, इन मसालों को भी अब अच्छे से हमें मिला लेना है। अब इसको हम थोड़ा ढक के पका लेंगे। और थोड़ी देर बाद यहीं पे हम ये जो हमारा 50 ग्राम करीब गुड़ है, इसको मैं यहीं पे डाल दूंगी। और गुड़ भी अभी इसमें अच्छे से गल जाएगा। अगर गुड़ ना हो तो हम चीनी भी डाल सकते हैं इसमें, 2 चम्मच करीब। तो अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। और लगभग सब्जी हमारी अब पक चुकी है। तो सब्जी हमारी बिल्कुल अब पकने ही वाली है। थोड़ा सा 2 मिनट इसको हम और पकाएँगे तो देख लेते हैं। वाह, सब्जी तो बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो अब हम इसको पका लेंगे। अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम उतार लेते हैं अपने सब्जी को। देखिए, चेक करने पे अच्छे से कट जा रही है ये। तो इसका मतलब कि अब सब्जी हमारी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो फ्रेंड्स, कद्दू की सब्जी एक बार ज़रूर ऐसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल अब पक चुकी है, अब इसकी प्लेटिंग हमने कर लेनी है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू।